मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण सुरेश कुमार पुत्र शोभा राम हुआ लापता। पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी। जी हां, आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र का सुरेश कुमार पुत्र शोभा राम, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम कोकिला थाना बरखेड़ा तहसील बिसलपुर जनपद पीलीभीत के पिता शोभा राम द्वारा बताया गया कि बालक सुरेश कुमार पुत्र शोभा राम, जो पीला रंग की टी शर्ट और लोवर पहना हुआ था, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बालक सुरेश कुमार दिनांक 12/6/2002 को अपने मकान बरखेड़ा पर साइकिल खड़ी करने के बाद से लापता हो गया, जिसके बाद उसको बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कहीं पता नहीं लगा। तब बालक के पिता शोभा राम ने बालक लापता होने की सूचना दिनांक 13/6/2022 को संबंधित थाना बरखेड़ा पुलिस को दी, जिसमें बालक सुरेश कुमार के लापता होने की तहरीर के आधार पर बरखेड़ा पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली गई। तत्पश्चात बालक का पता लगाते ही पुलिस द्वारा परिवार को सूचित कर दी जाएगी। लापता सुरेश कुमार के परिजनों से संपर्क हेतु संपर्क सूत्र 6395848397972075349 पर संपर्क करें। ऋषिपाल मौर्य की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा भैया? मेरा नाम तेज बहादुर वर्मा, ग्राम कोकिला, पोस्ट मुड़ियावला, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? घटना सर, दरअसल हमारा भाई थोड़ा इसका गर्मी की वजह से इसे मार्च में बुखार आया था। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? सुरेश कुमार वर्मा। अच्छा, तो इसका हमने इलाज कराया था, तो इसका थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा ख़राब हुआ था, तो हमने बरेली से इसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर वी के श्रीवास्तव जी के यहाँ से। तो ये काफ़ी सही हो चुका था, तो ये अभी 12 जून लगभग सुबह 10 बजे घर से बरखेड़ा के लिए आया था। दरअसल आता था वो साइकिल से, तो ये बरखेड़ा घूमता भी रहा और जय गुरुदेव वाले होटल की तरफ गया था, वहाँ कुछ खाया पिया। उसके बाद इसने साइकिल, हमारा मकान है बिसलपुर रोड पर, तो वहाँ साइकिल खड़ी कर दी जाके, उसके बाद ये जो है वहाँ से इधर अंदर की तरफ आया, लोग बता रहे थे, तो वहाँ से सवारी से पता नहीं किधर चला गया, टेम्पू पे या मस्जिद पर बैठ के पीलीभीत की तरफ गया है या कहीं और गया है, उसका कुछ सुराग नहीं लग रहा है। हम लगातार कम से कम 6 मोटरसाइकिलों के साथ 12-13 लोग लगातार उसको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी एरिया में ढूंढी लेकिन इसका कोई भी सुराग नहीं लगा है। तुमने अभी तक पुलिस को सूचना दी है लापता की? पुलिस की सूचना दूसरे दिन दी थी पिताजी ने, और हमारे ताऊ के बेटे हैं, क्योंकि एक बार क्षेत्र पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, तो वो लोगों ने दी थी। हम लोग तो दरअसल लगातार ढूंढ ही रहे हैं, इधर पीलीभीत की तरफ जा रहे हैं, बिसलपुर की तरफ जा रहे हैं, पूरनपुर की तरफ, फटीमा की तरफ, लगातार पूरी एरिया घूम रहे हैं। तो पुलिस क्या बता रही है? पुलिस को सूचना दी है, लेकिन हमें पुलिस का फीडबैक पिताजी को शायद मालूम होगा, हमें तो उनकी कार्रवाई चल रही है, जो भी चल रही होगी,